हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सर्वर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पास इंटरनेशनल बोर्ड है, चक्री बोर्ड। इसमें जो पॉल्ट आया हुआ है, इसमें देख लेंगे कि इसका वायरिंग खराब है कि स्विच खराब है। चलो दोस्तों, अपन इसको पहले खोल लेंगे और खोलकर देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करना सीख लेंगे। ये इसके अंदर वायरिंग खराब हुए तो वायरिंग कर लेंगे, जो ये सर्किट की समझ लो ये पीना की जो वायरिंग होती है ये कर लेंगे, या कुछ और दूसरा बटन का है तो वो भी देख लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, अब इसे मैं पहले खोल लेता हूँ। इसके में खुल चुके हैं और ये देखेंगे इसके अंदर ये वायरिंग निकाल लेंगे इससे बाहर। जो इसका वायरिंग है तो दोस्तों, वायरिंग पूरी इसकी शुरू हो चुकी है और इसका जो लाइट भी है ये भी ख़राब हो चुका है। और इससे पहले सबसे पहले अपन वायरिंग कर लेंगे और इसको खोल लेंगे दोस्तों। बाजू में जो अपना सप्लाई है ये कर लेंगे। चलो पहले दोस्तों, ये पूरी वायरिंग इसकी बाहर निकाल लेंगे अपन और नए से वायरिंग कर लेंगे दोस्तों। इसका स्विच भी खोल लेंगे, स्विच भी चालू नहीं है। और स्विच ये देखो, यहाँ से ऐसा खुलता है दोस्तों, देखो स्विच खुल चुका है। और ये देख रहे हैं आप कि इसके अंदर स्विच का अपना जो है पूरा कार बना चुका है। देखो इससे भी ये जो अपना है स्विच ये नीचे चलेगा, तो इसको भी खोलना है दोस्तों। दोस्तों ये देखो, इस स्विच का जो अपना नीचे का जो पॉइंट रहता है सप्लाई का, ये भी गर्म होने से अंदर चलेगा, तो इसको ऊपर लेना है। इसकी वजह से अपना बटन काम नहीं कर रहा है और ये जो पॉइंट है समझिए, तो इस पर कार्बन भी है, तो इसे भी साफ करके बराबर पहले ये पॉइंट निकाल के इसको बराबर फिट कर लेंगे ये दोस्तों। ये पूरा पैक होगा जो है, इसको निकाल लेंगे सब से। ये देखो दोस्तों, इसके जो है प्लास्टिक से ये हो गया है, इसको बराबर ये करना है अपने को सोल्डरिंग। जलने से थोड़ा ये हो गया है दोस्तों, तो इसे बराबर करना है और अंदर से दोस्तों, उसको बराबर सेंटर में लेके बराबर फुल टाइट कर लेना है कि जैसे उसके पॉइंट को भी टच होना अंदर के। थोड़ा सा इधर ये हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ढीला करके उधर सरका लेना है, इधर टाइट दोस्तों। तो अपना बटन चेक कर लेंगे कि बटन ओके हुआ कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी बताता है कि नहीं। बजर पे इसको अपने बटन को चेक कर लेंगे, ये भी अपना बटन दोस्तों, ये इसका दबा दीजिए। देखो इसमें बजर आने लगा है दोस्तों,
और ये बंद कर दिए, बंद है बटन, ओके हो गया दोस्तों। अब चलो इसकी ये जो बाकी की वायरिंग है ये वायरिंग कर लेंगे अपन, वायरिंग करना शुरू कर देंगे इसकी। दोस्तों अपने को ये स्विच पे से लेंगे, एसी वाइन यहाँ आएगा और एक पॉइंट भी आएगा, तो क्योंकि यहाँ से लेकर तो इससे पहले सीधी बाल देंगे तो इतना कनेक्शन तो नीचे टच नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर अपन से शूटिंग कर लेंगे, देखो हो चुका है कनेक्शन फिर स्विच से। जो कनेक्शन टच नहीं है, कनेक्शन इधर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, तो इधर आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों एक ही बटन के कनेक्शन पर लेना है अपने को पॉइंट और एक ही नट पे ले लेना है। ये आ गया एक यहाँ पर, पर आ गया और दूसरा वाला इधर, और इसे पैक कर
चलो दोस्तों वायरिंग कर लिए हुए पूरे अपने, एक सप्लाई का वायर बटन पे दे दिए और एक इधर दे दिए इस टाइप पे, और ये सीलू भी डाल दिए, कनेक्शन टच नहीं होना, और इंडिकेटर भी लगा दिए इसके अंदर। और दोस्तों चलो इसको सप्लाई डालकर देखेंगे, ये सप्लाई डाल दिए दोस्तों इसके अंदर, और ये बटन ऑन करिए तो ये देखो लाइट आ गया, ऑफ करें ये आ गया। चलो दोस्तों अब इसको फिट कर लेंगे। चलो इसको नट लगा देंगे दोस्तों पहले, देखो चारों नट टाइट कर लेंगे इसको। दोस्तों लाइट आ चुका है इसके अंदर, तीसरी